bad habit related word meaning Hindi and English with picture, and like, share and subscribe my channel. My first word is थूकना. थूकना एक बैड हैबिट है, जैसे कि रोड वगैरह पर थूकना एक बैड हैबिट है. थूकना को इंग्लिश में स्पिट बोलेंगे, स्पिट. नेक्स्ट वर्ड इज टांग हिलाना. टांग हिलाना भी एक बैड हैबिट है. कुछ लोग की हैबिट होती है कि वो अपने पैर को हिलाते रहते हैं, तो पैर हिलाना को बोलेंगे इंग्लिश में शेक लेग्स, शेक लेग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अपनी टांगे क्यों हिला रहे हो? वाई आर यू शेकिंग योर लेग्स? वाई आर यू शेकिंग योर लेग्स? नेक्स्ट बैड वर्ड इज अंगूठा चूसना. कुछ छोटे बच्चे की हैबिट होती है कि वो अपने अंगूठे चूसते रहते हैं, तो चूसना को इंग्लिश में बोलेंगे शक, शक. फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना अंगूठा चूसना बंद करो. स्टॉप सकिंग योर थम, स्टॉप सकिंग योर थम. नेक्स्ट वर्ड इज पादना. पादना इज आल्सो अ बैड हैबिट पब्लिकली, सो पादना को इंग्लिश में फार्ट बोलेंगे, फार्ट. फॉर एग्जाम्पल, पादना मत, डोंट फार्ट, डोंट फार्ट. नेक्स्ट वर्ड इज डकार मारना या फिर लेना. दिस इज आल्सो अ बैड हैबिट, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे बॉप, बॉप. फॉर एग्जाम्पल, जोर से डकार मत लेना, डोंट बॉप लाउडली, डोंट बॉप लाउडली. एंड नेक्स्ट वर्ड इज खर्राटे लेना. खर्राटे लेना भी एक बैड हैबिट में से एक है, तो खर्राटे लेना को इंग्लिश में स्नोर बोलेंगे, स्नोर. फॉर एग्जाम्पल, वह खर्राटे ले रहा है, ही इज स्नोरिंग, ही इज स्नोरिंग. नेक्स्ट वर्ड इज नाखून चबाना. नाखून चबाना एक बैड हैबिट है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे बाइट नेल्स, बाइट नेल्स. फॉर एग्जाम्पल, अपने नाखून चबाना बंद करो. स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स. दांत पीसना. कुछ लोगों का हैबिट होता है कि वो अपना दांत पीसते हैं. दांत पीसना एक बुरी हैबिट है. सो बाय द वे, दांत पीसना को इंग्लिश में ग्राइंड टीथ बोलेंगे, ग्राइंड टीथ. फॉर एग्जाम्पल, अपने दांत पीसना बंद करो. स्टॉप ग्राइंडिंग योर टीथ, स्टॉप ग्राइंडिंग योर टीथ. नेक्स्ट वर्ड इज शराब पीना. शराब पीना एक बैड हैबिट है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. बाय द वे, शराब पीना को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक. फॉर एग्जाम्पल, मैं शराब नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक. नेक्स्ट वर्ड इज सिगरेट पीना. सिगरेट पीना को इंग्लिश में स्मोक बोलेंगे, स्मोक. फॉर एग्जाम्पल, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, ही क्विट स्मोकिंग, ही क्विट स्मोकिंग. जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्विट का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म क्विट ही होता है, और यहाँ पर पीठ का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है. उंगलियां चटकाना. उंगलियां चटकाना बहुत ही बैड हैबिट है, खासकर इस्लाम धर्म में इसे बहुत ही बैड हैबिट माना जाता है. वाई द वे, उंगलियां चटकाना को इंग्लिश में क्रैक नकल्स बोलते हैं, क्रैक नकल्स. फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी उंगलियां क्यों चटका रहे हो? वाई आर यू क्रैकिंग योर नकल्स? Why are you cracking your knuckles? Next word is खट खट. जैसे कि आप पेन को क्लिक क्लिक करते हैं, खट खट या फिर क्लिक करना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्लिक, क्लिक. Next word is कचरा फैलाना. कचरा फैलाना is also a bad habit
स्पेशली रोड वगैरह पर। सो कचरा फैलाना को इंग्लिश में लीटर बोलते हैं, लीटर। फॉर एग्जाम्पल, कचरा मत फैलाओ, डोंट लीटर, डोंट लीटर। नाक में उंगली डालना, ये भी एक बैड हैबिट है। कुछ लोग अपने नाक को साफ करने के लिए नाक में उंगली डालते हैं। सो नाक में उंगली डालना को इंग्लिश में बोलते हैं पिक वंस नोज, पिक वंस नोज। फॉर एग्जाम्पल, अपनी नाक में उंगली मत डालो, डोंट पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट प्लीज़। थैंक यू।